कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले बुलाई सरकार की सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कई मांगे रखी हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आल पार्टी बैठक के बाद आपसे बात हो रही है, क्या मुद्दे आपकी ओर से उठाए गए हैं इस बैठक में? देखिए, हमने मुद्दा मेन हमारा मुद्दा है क्योंकि बजट आ रहा है और हम उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि देश में सेकुलर क्रेडेंशियल बरकरार रहे। प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हमारी संस्कृति बरकरार रहे। आज माहौल बिगाड़ने की साजिशें हैं, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेथन करा जाए। एक के बाद एक मस्जिद और आखिर में 3,000 मस्जिदें, तो आखिर ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, इसे रोका जाए। हमने इस बात को कहा है कि किसान परेशान है, किसान की लागत का भी उसको पैसा नहीं मिल रहा। MSP सेट करा जाए, उसके हिसाब से हर प्रोडक्ट पे MSP दिया जाए। और क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया है, उस डीजल की जगह सोलर पंप्स दिए जाएं किसानों को, ताकि देश आगे बढ़े। हमारा एक इशू ये भी है कि हमने आप लोगों के माध्यम से मीडिया में ये रिपोर्ट्स देखी हैं कि 2014 में देश के ऊपर 50,000 करोड़ का खर्चा था, आज वो 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। वो आखिर क्यों हुआ, इसका फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा पार्लियामेंट के अंदर क्लेरिफिकेशन। क्या इन तमाम मुद्दों पर समूचा विपक्ष एकजुट रहेगा जो समाजवादी पार्टी मुद्दे उठा रही है? देखिए, विपक्ष के सारे मुद्दे एक से ही हैं, और इवन मैं समझता हूँ कि BJP के जो सुलझे हुए नेता हैं उनको भी इस बात की फिक्र है कि देश का कम्युनल क्रेडेंशियल खराब ना। और इस सत्र के ठीक बाद लोकसभा चुनाव का सामना होगा, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव से पहले इस सत्र को लेकर, और जो सरकार की नज़रें हैं इस बजट अंतरिम बजट को पारित करने को लेकर, क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं? देखिए, अगर बैलेट से चुनाव हो गया तो BJP कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। बैलेट से मांग कर रहे हैं आप लोग? जाहिर है, हम EVM के खिलाफ हैं। तो EVM से चुनाव हो ही रही है, फिर कैसे विरोध करेंगे? नहीं, हम ये बात ये कह रहे हैं कि VVPAT से हो, VVPAT की पर्ची जो निकले वो वोटर के हाथ में आए और दूसरे बैलेट बॉक्स में वो वोटर डाले और 100% उसका काउंटिंग की जाए। तो इस सत्र में ये मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी सांसद हैं, आल पार्टी बैठक के बाद तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।